नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही। पहला मैच भारत ने अपने नाम कर लिया था, वहीं दूसरा मैच भी भारत अपने नाम करने में कामयाब रहा, लेकिन ये मैच भारत के लिए जीतना कतई आसान नहीं रहा था। मैच के दौरान एक समय था जब भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी, तब दीपक चाहर ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि भारत को मैच भी जिताया और उनका साथ दिया भारतीय टीम के उपकप्तान भुवनेश्वर कुमार ने। मैच की बात करें तो भारत ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 3 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के 276 रन का टारगेट चेस करते हुए भारत ने एक समय पर 193 रन पर 7 विकेट गवा दिए थे। ऐसा लग रहा था टीम हार जाएगी, लेकिन इसके बाद दीपक और भुवी ने मोर्चा संभाला और 84 बॉल पर नाबाद 84 रन की पार्टनरशिप की, जिसकी बदौलत भारत ने 49.1 ओवर में 7 विकेट पर 277 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। दीपक ने 82 बॉल पर 69 रन की शानदार पारी खेली। दीपक का भुवनेश्वर ने अच्छा साथ निभाया और 28 बॉल पर 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दीपक की ये पहली इंटरनेशनल 50 थी। दीपक के अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी 53 रन की पारी खेली। वहीं मैच के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो भुवी ने श्रीलंका की पारी के 5वें ओवर में 9 बॉल फेंकी। भुवी की ये पिछले 6 सालों में पहली 9 बॉल थी। उन्होंने आखिरी 9 बॉल अक्टूबर 2015 में फेंकी थी। हालांकि पहले वनडे में विकेट नहीं ले पाने वाले भुवी ने दूसरे मुकाबले में 3 विकेट अपने नाम किए। वही मैच के हीरो रहे दीपक ने श्रीलंका में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए। उनसे पहले रविंद्र जडेजा ने 2009 में ऐसा कारनामा किया था। इसके अलावा रनों का पीछा करते हुए 8वें नंबर पर अर्धशतक जमाने के मामले में चाहर टॉप पर पहुंच गए। टीम इंडिया ने इसके साथ ही सीरीज भी जीत ली। भारत की श्रीलंका के खिलाफ लगातार 9वीं द्विपक्षीय सीरीज जीत है। टीम को फिलहाल 2-0 की अजेय बढ़त है। सीरीज का आखिरी मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। इसी के साथ ही भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे जीतने के मामले में भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ कुल 161 मैच में से 93 मैच जीते, वहीं पाकिस्तान ने श्रीलंका को 155 मैचों में 92 बार हराया।